दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट गिरीश। तो दोस्तों कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट को कौन चलाता है, इंटरनेट कहाँ से ऑपरेट होता है, हु कंट्रोल योर इंटरनेट, हाउ इंटरनेट वर्क। आज मैं आपको इस टॉपिक पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, तो यही लगेगा कि इंटरनेट को वही लोग कंट्रोल करते हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। वो शायद आपको लग रहा होगा कि इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, तो दोस्तों ये सच नहीं है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे पहले रिलायंस का पूरा नेटवर्क चलता था, वो फेल हो गया, फिर उसके बाद जियो है, तो ऐसे ही अलग अलग बहुत कंपनियाँ आती जाती रहती हैं जो ये सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो शायद आपको ये भी लगता होगा कि हमारा जो ये इंटरनेट है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती होगी, ऐसा भी नहीं है। तो शायद दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक पोस्ट है, कुछ एक ईमेल्स है, उसको वो कंट्रोल कर सकती है, उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो शायद आपको ये भी लगता होगा कि भाई गूगल, फेसबुक, ये जो दूसरे वेबसाइट हैं वो कंट्रोल करते होंगे, ऐसा भी नहीं है। आप भी अपना खुद का वेबसाइट बना के रख सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन इंटरनेट को कंट्रोल करता है? तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, ना तो आपके सर्विस प्रोवाइडर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट सबसे पहले वर्क कैसे करता है? इंटरनेट जो है वो अलग अलग वेबसाइट के थ्रू वर्क करता है, जिसमें डोमेन नेम आता है। डोमेन में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं, .com जो होता है वो टॉप लेवल का डोमेन होता है। यूट्यूब जो है वो एक वेबसाइट है, और यूट्यूब जो है वो उसका डोमेन नेम है, ठीक है। www.youtube.com अगर आप लिखोगे तो YouTube का वेबसाइट खुलेगा, वो एक URL है जिसके थ्रू आप वो वेबसाइट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही अलग अलग तरह की वेबसाइट लोग बना के रख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट जो है आज के ज़माने में बहुत ही अहमियत रखता है, डेमोक्रेसी बहुत ही इस पूरे दौर में इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है। चाइना है जहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल, फेसबुक, याहू, ये सब बैन है। वो चाइना की गवर्नमेंट जो है वो ये वेबसाइट को परमिशन नहीं देती है। हमारे इंडिया में भी कुछ एक ऐसे वेबसाइट है जो बैन किए गए हैं। तो इंटरनेट जो है वो आज के दौर में बहुत ही अहमियत रखता है, इसलिए मैं आपको आज इंटरनेट कैसे ऑपरेट होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कई ऐसे वेबसाइट आप बना सकते हो, नेटवर्क खुद का रख सकते हो, और उसके लिए आपको डोमेन नेम चाहिए। जैसे मैंने आपको youtube.com के बारे में बताया, तो ये डोमेन नेम जो है वो आप इंटरनेट से परचेस कर सकते हो। godaddy.com करके वेबसाइट आता है, होस्ट वगैरह बहुत सारी ऐसे ऐसे अलग अलग वेबसाइट है जो ऐसे में डोमेन नेम प्रोवाइड करती है। .com है, .org है, .gov है, .net है, .in है, ठीक है। तो ये GoDaddy और ये दूसरे जो वेबसाइट हम बनाते हैं उनको ये हक किसने दिया है कि ये हमें ये ऐसे डोमेन नाम बेच सके, ठीक है। तो उसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। तो GoDaddy जो है वो सिर्फ आपको डोमेन प्रोवाइड कर सकता है। GoDaddy से ऊपर एक अथॉरिटी है जिसका नाम आईकेन है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनमेंट नंबर इसका फुल फॉर्म है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉस एंजलिस में है। ये जो आईकेन है वो टॉप लेवल अथॉरिटी है
और इसके पास सब पावर है जिसका यूज़ करके गोडेडी और वेबसाइट गोडेडी वाले हमें डोमेन प्रोवाइड करते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं, और ये आईकैन वाले ही पूरा जो डोमेन का सिस्टम है उसको सेल करते हैं। आईकैन वाले जो है इसके अलग अलग रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं कंपनी के, जिसमें .in, .org अलग अलग अथॉरिटीज अलग अलग कंपनी को वैसे रजिस्ट्रार्स को बेच सकती है। ये जो रजिस्ट्रार्स को बेच के फिर ये गोडेडी वालों के पास आता है और फिर वो हमारे पास ऐसे डोमेन नेम हम परचेस कर सकते हैं। तो आईकैन जो है वो एक तरह से इंटरनेट का बॉस हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है।